नमस्कार, मैं हूँ रेनू भाटिया। आज की खास और बड़ी खबरों के लिए आपका स्वागत है न्यूज हब भारत में। चमनगंज थाने का टॉप 10 कुख्यात अपराधी जिसने बजरिया क्षेत्र में हत्या आदि के अन्य अपराध किए, उसे आज जेल भेजा गया। सबलू उर्फ एजाजुद्दीन पुत्र कयामुद्दीन 105/65 चमनगंज का रहने वाला था। उसे उसी क्षेत्र की काली मठिया तिराहे मंदिर के सामने से सीओ सीसामो त्रिपुरारी पांडे व इंस्पेक्टर थाना बजरिया राम मूर्ति यादव के नेतृत्व में 950 ग्राम नाजायज चरस के साथ पकड़ा गया, जिसकी वास्तविक कीमत 90,000 रुपए है। 33 वर्षीय सबलू को धारा 18/20 NDPS एक्ट के तहत बजरिया थाने से जेल भेजा गया। सबलू पर 13 मुकदमे हत्या, सार्वजनिक जुआ व अन्य अपराधों के हैं। अपराधी की गिरफ्तारी में भवन सिंह मौर्य, मंसूर अहमद, हेड कांस्टेबल कमलेश कुमार, फरहत खान, मोहम्मद आरिफ, हरिओम, नीरज आदि लोग प्रमुख रूप से थे। आज बीती रात प्रभारी निरीक्षक बजरिया और प्रभारी निरीक्षक चमनगंज की संयुक्त टीम ने थाना चमनगंज के सीटर एजाजुद्दीन उर्फ सबलू को 1 किलो चरस के साथ गिरफ्तार किया गया है। यह साथी किस्म का अपराधी है और काफ़ी समय से धारा 307 में थाना बजरिया से संबंधित धारा 307 में वांछित चल रहा था और आज गिरफ्तार किया गया है। इसका क्षेत्र में काफ़ी आतंक था, इसको लेकर पुलिस काफ़ी दबिशें और कई बार प्रयास कर चुकी थी, परंतु सफलता किसी न किसी कारणों से यह निकल जाया करता था। इस तरह के जो भी साथी अपराधी हैं शीघ्र ही गिरफ्तार कर जिला कारागार में निरुद्ध किए जाएंगे। कानपुर से अजय पत्रकार के साथ अमन शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ अब भारत।